मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पुलिस की छापेमारी के दौरान एक ग्राहक की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मुंबई के मुलुंड इलाके में उस वक्त 57 साल के शख्स की मौत हो गई जब समाज सेवी शाखा संगम नामक वीडियो पार्लर में छापेमारी की गई थी। मुंबई पुलिस के DCP प्रशांत कदम के मुताबिक छापेमारी के दौरान 57 साल के शख्स दिलीप राव जी सेज पाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नज़दीकी अग्रवाल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मुलुंड पुलिस ने ADR रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस पर मृतक के साथ मारपीट का भी आरोप लग रहे हैं, जिसको पुलिस ने पूरी तरह से नकार दिया है। कहा है कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है और न ही मृतक के परिजनों ने इस तरह की कोई भी आरोप लगाया है। हालांकि मृतक के परिजनों ने भी कैमरे के सामने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच आगे कर रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है DCP प्रशांत कदम ने। आज स्पेशल ब्रांच क्राइम ब्रांच का यूनिट है, उन्होंने बुलुंड पुलिस स्टेशन के बेकायदेशीर जो वीडियो पार्लर है वहां पे रेड किया था। वहां पे जो गेम खेल रहे कस्टमर, उनको उन्होंने प्रोसेस के दौरान बाहर रुकने को बोला था। उसी दौरान एक जो 57 ईयर का जो वहां पे एक खेल रहा था इसम था, उनको थोड़ा मेडिकल इशू हुआ। इमीडिएटली जो हमारे क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल पुलिस स्टेशन की टीम है, उन्होंने उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनको वहां पे डेड डिक्लेयर किया है। इसी मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने मुलुंड पुलिस स्टेशन में एक ADR दाखिल किया है 53/2020 की। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रहा है और हमने उसका जो प्रोसेस है पूरा बाय जो लॉ के अनुसार जो है वो हम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसके साथ मारपीट हुई, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी घटना वहां पे घटी नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग बाकी लोग मौजूद भी थे और इमीडिएट जैसे ही वो रेड हुई, वो सीजर का काम चल रहा था, उसी दौरान उनको मेडिकल इशू हुआ और इमीडिएटली उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। उनके फैमिली का भी कोई इसमें रोल एलिगेशन नहीं है और ना कोई मारपीट हुई है, ना ऐसा कुछ भी घटनाक्रम नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल सर, इसमें सर कस्टोडियल डेथ का भी मामला आ रहा है, वो जो प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं जो बाय लॉज की तरफ से होता है और पुलिस के साथ में वो जो मृत्यु पाया हुआ जो डिसीज है वो था, इसलिए हम जो प्रोसेस है बायलॉज वो फॉलो कर रहे हैं और इसमें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन करना